ये नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो गया आपका। इसमें आपको बाकी के टूल्स सिखाने हैं। ये चार टूल बताऊंगा मैं आपको, इधर के ये वाले। शुरुआत करता हूँ ये क्रॉप टूल से। अगर इमेज आपका ऐसा छोटा हो गया है और आपको बराबर बैठ नहीं पा रहा है इमेज आपको, तो कंट्रोल सिंपली कंट्रोल जीरो कर लीजिए, और जीरो आपका नमपैड वाला जीरो रहेगा और कंट्रोल जीरो, तो आपकी इमेज नॉर्मल हो जाएगी। और अभी मैं बताता हूँ, पहला टूल है ये क्रॉप टूल है। और अगर कर्सर ले जाते हैं इसके ऊपर, तो जैसे कि ये बता रहा है क्रॉप टूल, सिंपली ऐसा होता है। अभी फिलहाल मैंने क्रॉप टूल पे क्लिक कर दिया है, और इसको मैं बाहर भी ले सकता हूँ और अंदर भी ले सकता हूँ। मान लीजिए कि मुझे पेज बड़ा करना है, तो मैं इस तरीके से पेज बड़ा भी कर सकता हूँ, वाइट आ जाएगा आजू बाजू में। और इस तरीके से मैं ये ऐसा क्रॉप कर सकता हूँ इसको, इन दोनों को इस तरीके से मैं क्रॉप कर सकता हूँ, और रोटेट भी कर सकता हूँ इमेज को इस तरीके से। और अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ या डबल क्लिक करता हूँ, तो ये क्रॉप हो जाती है इमेज। कंट्रोल जेड करता हूँ, क्रॉप का सिंपली फंडा है ये। और कंटेंट अवेयर में ऑन रखता हूँ, तो इसमें क्या होगा कि इमेज क्रॉप होने के बाद भी इमेज को, बाहर वाली इमेज को अंदर ला सकते हैं। जैसे कि ये वाली इमेज भी मैंने अंडू की है, तो इसमें इमेज को अंदर भी ला सकते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल बता देता हूँ। कंट्रोल जेड करता हूँ ये। कंटेंट अवेयर ऑफ रख लीजिए सिंपली, इस तरीके से इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। और रोटेट करना है तो आप इसे इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं। और फाइनल हो जाता है तो आप एंटर कर दीजिए, तो आपकी इमेज क्रॉप हो जाएगी। क्रॉप में दूसरा है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव में मान लिया कि आपकी इमेज कुछ ऐसी है, और थोड़ी पर्सपेक्टिव है आपकी इमेज। मैं ऊपर से थोड़ा चौड़ा कर देता हूँ, और नीचे से थोड़ा सा ऐसा घुमा देता हूँ, मतलब कि दबा देता हूँ ऐसा, और इधर से भी दबा देता हूँ। तो ये पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसको फ्लैट कर देगा, सीधा सीधा चारों कॉर्नर कर देगा, और नीचे के हिस्से चौड़े हो जाएंगे, ऊपर के हिस्से इसके नीचे के हिस्से के बराबर हो जाएंगे। मैं इसको एंटर कर देता हूँ, इस तरीके से ये राउंड हो गए हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कि ये वाला जो है, ये पॉपकॉर्न लिखा हुआ है, वो उसका पर्सपेक्टिव अलग है, मतलब कैमरा ऊपर लगा हुआ है और पॉपकॉर्न नीचे की तरफ दिख रहा है। मैं लिखा हुआ ये जो लोगो है, मैं पर्सपेक्टिव टूल लेता हूँ यहाँ से, और इस टूल को एडजस्ट करता हूँ। इसके चारों पॉइंट अगर मैं पकड़ के इस तरीके से एडजस्ट करता हूं, तो ये एडजस्ट हो रहा है। इसको यहाँ करता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि बॉर्डर ना कटे, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये पर्सपेक्टिव आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि ये ऊपर से पर्सपेक्टिव दिख रहा है। अगर मैं एंटर करूंगा तो ये थोड़ा सा स्क्रीन के साइड में फ्लैट जैसा हो जाएगा। ये एंटर करता हूँ, थोड़ा सा ये सीधा सा लग रहा है। पहले ऐसा लग रहा था कि कैमरा ऊपर से लिया हुआ है, अब ऐसा लग रहा है कि कैमरा लगभग सामने से लिया हुआ है। थोड़ा सा ये यहाँ से थोड़ा हिस्सा ये बड़ा हो गया, यहाँ से थोड़ा संकरा हो गया। तो इस तरीके से पर्सपेक्टिव इमेज निकाल सकते हैं। अगर तो दीवार पर कोई पर्सपेक्टिव इमेज हो जो कि आपको लग रही पर्सपेक्टिव है, थोड़ी तिरछी है, छोटी या बड़ी है, तो आप उसे इस टूल से निकाल सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ,
और ये स्लाइस टूल, स्लाइस मतलब कि आपको कुछ याददाश्त के लिए कोई पॉइंट बनाना है यहाँ पर, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, जैसे कि कोई आप प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, कॉलेज का है आपका प्रोजेक्ट वर्क, साइंटिफिक है या जो भी है, आपने बहुत बड़ी इमेज बनाई हुई है और आपको याद के लिए रखना है कि इस पॉइंट का या इस चीज का नाम क्या है, तो आप सिंपली नाम लिख सकते हैं। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। वैसे मैं करता हूँ यहाँ पर, ये इस तरीके से ही आ जाता है। कैंसिल करता हूँ और अंडू करके आपको फिर से समझाता हूँ मैं। स्लाइस टूल लेता हूँ, मान लिया कि ये आई है या हमारा प्रोजेक्ट का कुछ स्पेशल थिंग है, तो इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप इसको स्लाइस टाइप दे सकते हैं, इमेज नो इमेज या टेबल या जो भी है यहाँ से दे सकते हैं। और यहाँ पर आप कुछ भी इसका टाइप कर सकते हैं, मैसेज टेक्स्ट आपको दे सकते हैं, जैसे कि आपको आप प्रैक्टिकल वर्क है या जो भी है आपका प्रोजेक्ट ऐसा कुछ है जहाँ पर आप वो थीम को आप अलग से दर्शाना चाहते हैं, और ओके कर देंगे तो यहाँ पर एक ये नोट्स बनाने का भी मैं इसको अंदर कर देता हूँ अभी फिलहाल। तो ये डबल क्लिक करने के बाद में ये ओपन हो जाता है, और कभी भी आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से यहाँ पर ये आपका मैसेज लिखा हुआ यहाँ पर आ जाएगा। इसको ओके कर देंगे तो आप किसी को भी समझा सकते हैं कि ये चीज किस लिए लगाई गई है या जो भी है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और इसके नीचे है स्लाइस सेलेक्ट टूल, स्लाइस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, स्लाइस बना सकते हैं इस तरीके से। आपने कितनी भी स्लाइस बना दी है और स्लाइस सिलेक्ट टूल से स्लाइस को सिलेक्ट कर सकते हैं और डबल क्लिक करके देख सकते हैं क्या मैसेज है उसमें, और इसको डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। और इसके बाद में ये है फ्रेम टूल, फ्रेम टूल जैसे कि मान लो मैंने इसमें एक फ्रेम बना दी है और मैं कोई दूसरी इमेज लाता हूँ यहाँ पर, इसको एक्चुअली फ्रेम टूल होता किस लिए है, इस फ्रेम के अंदर मुझे ये कोई इमेज चाहिए तो मैं यहाँ से कॉपी करके लाऊंगा और पेस्ट करूंगा तो वो सीधा इसके अंदर आएगी। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इमेज को, कंट्रोल सी, और यहाँ पर ला करके कंट्रोल वी कर लेता हूँ, तो उस फ्रेम टूल के अंदर ये इमेज आ जाएगी। या फिर इसके अंदर कंट्रोल डी, इसके अंदर कुछ मैं कंट्रोल जेड यहाँ से कर लेता हूँ और ये फ्रेम टूल को डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से यहाँ इसमें मैं कंट्रोल डी करके इसमें मैं कुछ सिलेक्शन बना देता हूँ इस तरीके का, और सिलेक्शन ये वाला सिलेक्शन नहीं, ये वाला सिलेक्शन फ्रेम टूल से, और ये वाले सिलेक्शन से मैं यहाँ से कॉपी करके लाता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पर रखता हूँ कंट्रोल बी, और इस इमेज को अभी, और ये इमेज ऑलरेडी बहुत बड़ी है, मैं कंट्रोल टी करता हूँ इमेज में, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया और यहाँ पर सेट कर दिया कंट्रोल सी, और यहाँ पर ला करके कंट्रोल वी करता हूँ तो ये इसके अंदर आ जाती है इमेज। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, और अंडू करता हूँ मैं फिर से और इसको डिलीट कर देता हूँ, और फ्रेम टूल में जाता हूँ, ये था रेक्टेंगुलर और ये है सर्कुलर, तो मैं इसको सर्कुलर इमेज, ये सर्कल एक बन गया, इसमें जो भी इमेज आएगी अब सर्कुलर के अंदर आएगी, सर्कल के अंदर आएगी, कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ तो ये सर्कल के अंदर आई है इमेज, सर्कल बन गया है सिंपली। और ये इमेज को मैं ट्रांसफॉर्म करके फ्लिप ओरिजेंटली कर लेता हूँ और कंट्रोल टी से रोटेट कर लेता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, मतलब जैसा भी है, और
वैसा आप इमेज बना सकते हैं, और कंट्रोल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी क्लोज कर देता हूँ, इसको कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर लेता हूँ सिलेक्शन को, कंट्रोल जीरो करके इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब ये हो गया फ्रेम टूल। उसके बाद में ये है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर मतलब कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये कलर आ जाता है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी कलर आ जाता है। तो इस कलर का उपयोग कर सकते हैं हम, जैसे कि मान लिया कि इसका मुंह है, इसके मुंह के अंदर ये जो मैं एक मैजिक वेंट से अगर सिलेक्शन करता हूँ इतना इतना, और आई ड्रॉपर से मुझे ये वाला कलर इसके मुंह के अंदर चाहिए या रेड कलर अंदर चाहिए, तो मैं ऑल्ट बैक स्पेस दबाकर ये कलर इसके मुंह में डाल सकता हूँ। थोड़ा सा समझे होंगे आप, थोड़ा नहीं समझे होंगे, कंट्रोल डी करता हूँ, मतलब कि आई ड्रॉपर क्या करता है कि कलर पिक करता है, सिंपली कलर पिक करता है। आप टूल टिप भी देख सकते हैं, कलर पिक करता है। मैंने सिंपली ये किया कि ये जैसे कि मैं आई सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से प्लस वाला भी एडजस्ट कर लेता हूँ, दोनों आई को मुझे रेड करना है, तो मैं ये आई ड्रॉपर पर जाऊँगा, कलर पिक करूँगा, ऑल्ट बैक स्पेस दबाऊँगा तो ये भी इसकी रेड आई हो जाती है। कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल डी से डिसलेक्ट करता हूँ जिससे जो सिलेक्शन था, उसके बाद ये 3D में काम आएगा। और ये भी सैम्पलर लेने के काम में आएगा, जब काम में आएगा जब मैं बताऊंगा। ये रिजेक्ट, ये रूलर टूल है, आप ये डिस्टेंस पता कर सकते हैं, ये कंट्रोल इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक कितना डिस्टेंस है, ये विड्थ ये कितना डिस्टेंस है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। मैं मतलब कि इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक शिफ्ट दबा करके प्रेस करता हूँ तो ये बिल्कुल सीधा सीधा ही ये आता है, इस तरीके से ये बिल्कुल आएगा तो सीधा सीधा ही आएगा शिफ्ट के साथ। और यहाँ से छोड़ दिया मैंने तो इसकी हाइट जो है, ये हाइट बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है। ये जब भी काम में आएगा, जबकि आप कुछ मेजरमेंट वाला काम कर रहे हैं, मेजरमेंट वाली फाइल आप कर रहे हैं, जैसे कि कोई मैप बना रहे हैं या फिर कोई एक्सटीरियर का काम कर रहा है घर का, तो आप ये वहाँ पर काम में आ सकता है। और ये काउंट टूल है, क्लिक करेंगे तो ये एक्चुअली अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आपके काम में ये नहीं आएगा। अब मैं इसको F दबाता हूँ, इमेज को अगर एफ दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो ये लार्ज हो जाता है। इस तरीके से काम कर सकते हैं, जहाँ पर ये लेयर वगैरह पैनल के पीछे इमेज आती है। एक बार और एफ प्रेस करता हूँ तो सारा चला जाता है, ब्लैक हो जाता है, और बड़ा करके इमेज को देख सकते हैं। फिर से एफ दबाते हैं तो इमेज इस तरीके से आती है। और ये वाला जो टूल है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, तो मैं स्पॉट हीलिंग को यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से, तो ये रिमूव हो जाता है, यहाँ का हिस्सा ये रिमूव हो गया है। समझ में आया होगा शायद आपको, जैसे कि मैं इसमें करता हूँ, ये इस तरीके से सिर्फ स्पॉट को ड्रैग करना है इसके ऊपर और ये रिमूव हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, टूल ने ही आपका सारा काम कर दिया है। और ये हीलिंग ब्रश टूल, मैं ये ऑल्ट के साथ इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये मैनुअली आप इसको हीलिंग ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पैच टूल क्या करता है कि पैच टूल से आपको सिलेक्शन बनाना होता है और इस सिलेक्शन को यहाँ पर रखना होता है, तो ये रिमूव हो जाता है। नहीं समझे हैं तो फिर से समझा देता हूँ, अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ। जैसे कि ये वाला हिस्सा है, ये वाले हिस्से को उठाकर मैंने यहाँ रख दिया तो ये वाला हिस्सा क्लीन हो गया, सिंपल सी बात है। कंट्रोल डी करता हूँ,
कंटेंट अवेयर मूव टूल, कंटेंट अवेयर में मान लिया कि इतना बड़ा कुछ है इमेज में, इसको सिलेक्ट करना है मुझे, ये सिलेक्ट कर लिया और इसको उठा करके मैं यहाँ रख देता हूँ, तो यहाँ का कंटेंट, और यहाँ से एंटर कर देता हूँ तो यहाँ का कंटेंट यहाँ आ जाता है, और इस ऐसा लगता है कि कुछ काम किया ही नहीं है यहाँ पर, काफी अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है। कंट्रोल जेड करता हूँ और रेड आई टूल में जो आई होती है, मैं आई वाली इमेज ले लेता हूँ, और ये पहले ज्यादा टूल काम में आता था, आजकल जो डिजिटल कैमरे जो आ रहे हैं उसमें रेड आई आती ही नहीं है, सिंपल सी बात है। पहले वाले जो कैमरे आते थे यहाँ पर एक रेड आई का एक स्पॉट बन जाता था, आजकल ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है, तो रेड आई को हटा देना चाहिए फोटोशॉप में से, इसका इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। बस ऐसे रेड आई पॉइंट हटाने के लिए जस्ट ऐसे किया जाता है, और ये थोड़ी प्रोसेसिंग करता है। और रेड आई यहाँ से रिमूव हो जाती है अगर मैं इसको लार्ज करता हूँ और अंडू करता हूँ, तो यहाँ पर ये यहाँ पर रेड आई का इफेक्ट आ गया था। कंट्रोल शिफ्ट जेड और कंट्रोल जेड, कंट्रोल शिफ्ट जेड, तो रेड आई को रिमूव करके हल्का सा ब्लैक स्पॉट बना दिया है, तो ये ज्यादा काम में फिलहाल तो नहीं आता। तो बस ये टूल इतने ही समझाने थे मुझे इस ट्यूटोरियल में, अगले लेक्चर में मैं आपको आगे की टूल समझाऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।